वेलकम बच्चों, अब सुनो, बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहना। आ जाओ सर। व्हाट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज? बेटा देखो, पांच रेसिस्टर की अरेंजमेंट होती है, इन सम केसेस कैपेसिटर या इंडक्टर भी हो सकते हैं कभी कभी, सच दैट फोर ऑफ देम मेक अ क्वाड्रिलेटरल एंड वन मेक अ डायगोनल ऑफ टू क्वाड्रिलेटरल। और बोर्ड लेवल में तुम्हारे पास यही कंडीशन है, बोर्ड लेवल बोले तो हरियाणा सीबीएसई कोई भी बोर्ड हो, यही कंडीशन है सर। दो होती हैं, अनबैलेंस और बैलेंस। अनबैलेंस नहीं है। और सर क्या नीट जेई इन सब के सिलेबस में होती है? अरे सब होता है, अगर तुम बच्चे कुछ ना कुछ इशारे कर दो ना ऐसे करके कि सर हाँ वो वाला भी पढ़ा दिया करो, तो मैं अलग से वीडियो बना के पढ़ा दिया करूँगा। इशारे तुम्हें करने हैं। हाँ तो सर देखो, आपने बहुत कुछ पहले ही बना चुके हो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, क्योंकि मैं मिटोने वाला हूँ। बोलोगे सर तो बहुत फास्ट काम करते हैं, पता चक्कर क्या है? मैं नहीं चाहता मैं फालतू में वीडियो को लंबा खींच दूं, आधे घंटे पौना घंटा, और उसमें 20-25 ऐड लगा दूं। नहीं भैया, छोटे छोटे में करना है ताकि तुम बच्चों का टाइम बच सके और तुम कोई दूसरा टॉपिक पढ़ सको। तो सर सही है, दूसरे टॉपिक के लिए टाइम बचाते रहो हमारा। अब देखो बैलेंस कंडीशन सर होती क्या है, ये तो चलो बाद की बात है, पहले आप इसे समझो सर। ये बी और डी, ना तो करंट नीचे की तरफ जाएगा ना ही करंट ऊपर की तरफ जाएगा। सिमिलर आप कह सकते हो सर, जो बीडी हमारी वायर है उसमें करंट की वैल्यू कितनी है? जीरो। सर अब ये आपने क्यों लिखा? देखो ये कॉमन सेंस है, अगर ये जीरो है ये तो होगा ही। सर देखो, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है डी, इन मैं कह रहा हूं लेट से इधर है 10 वोल्ट, इधर है 10 वोल्ट, पॉइंट बी पर पोटेंशियल 10 वोल्ट, पॉइंट डी पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है। मानते हो सर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये इक्वल इक्वल लिखा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर 10-10 जीरो, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो सर याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो सर ये जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो चार्जेस मूव ही नहीं करेंगे, और अगर चार्जेस मूव नहीं करेंगे तो करंट भी जीरो, जो कि पहले से ही था। और हाँ अब ये देखो 1 2 3 ये लो आ गए वापस। चलो बच्चे देखो सर, अब आप इस सर्किट को समझाओ। आपने डेफिनेशन में पढ़ लिया था सर अरेंजमेंट कैसी होती है, और ये डायग्राम पहले से बना हुआ था। तो सर अब देखो आपने क्या करा, ये मेरी बैटरी है, करंट आया 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 आया, सर देखो आया 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 आया। आपने एक लॉ पढ़ा है किरचॉफ करंट लॉ या फिर किरचॉफ जंक्शन लॉ। सर देखो थोड़ा सा करंट इधर गया, थोड़ा सा करंट इधर गया, ये है मेरी जंक्शन, इतना चलो आपको पता है। सर क्योंकि आपने कहा था कि बीच वाली वायर में करंट हो जाएगा जीरो, पहले लिखा हुआ था ना पिछली बार, हाँ पिछली बार मतलब अभी कुछ सेकंड पहले तुम बच्चों के लिए। तो सर देखो ये करंट आया जंक्शन पे, बटना चाहिए था बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच में कितना है? जीरो। तो वो बटा ही नहीं, वो सीधा चले गया शू, और यहां से आया शू, सीधा चले गया आई वन ऐसे। अब बोलोगे सर आई वन और आई टू है क्या? आप ऐसे सोच के देखो सर, लेट से ये है 1 एम्पियर, ये है 2 एम्पियर, तो टोटल कितना होगा? 3 एम्पियर। तो सर ये आई की वैल्यू है जो बटी है 3 एम्पियर। इतना सर हमें पता है, किरचॉफ करंट लॉ में सब पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस है। हाँ पढ़ चुके हो तुम, मुझे पता है, और मैंने नहीं पढ़ाया चलो अब तक। अगर तुम बच्चे कमेंट कर दोगे सर ये वाला कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर, अरे तुम बोलो तो सही, हम जिंदा हैं, सामने खड़े हैं ना जिंदा, बिल्कुल पढ़ाएंगे। सर टाइम वेस्ट कर दिया ना आपने वैसी। अब बच्चों देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैंने लगाया, ये देखो सर इधर ए बी डी यहां पे मैंने लगाया। सर देखो ये आप जानते हो सर, ए बी बी डी ये सारी के सारे एक लूप में जीरो हो जाएंगे सबको प्लस। हाँ सर बिल्कुल जानते हैं, ये सब तुम्हें दिख रहा है बेटा। देखो आई वन एक बार मैं पढ़ देता हूं तुम बच्चों के लिए, ऐसे कुछ हाँ दिख रहा है ना तुम्हें। तो सर देखो अभी हम साथ में चल रहे थे, देखो हमने स्टार्ट किया है क्लॉकवाइज, करंट और हम अगर साथ साथ हैं तो माइनस आएगा, यहां पे तो सब कुछ जीरो है। अब ये देखो करंट इधर आ रहा है, हम उल्टे जा रहे हैं, पता है ना क्लॉकवाइज चलते हैं लूप लेते वक्त, एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हो लेकिन बच्चों को आदत होती है क्लॉकवाइज चलने की, इसलिए बोल रहा हूं बेटा मैं। तो सर ठीक है, ऐसे माइनस है फिर जीरो फिर प्लस आ गया, ये हमने लिख दिया। सर ये माइनस को उधर लेके जाना तो प्लस ही तो होगा,
सर सिमिलरली देखो बी बी सी सी डी, और ये ना तुम पता क्या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तुम्हारे काम आ जाएंगे ये सब चीजें, इसलिए मैं लिख देता हूँ ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मेरे बोलने में टाइम वेस्ट हो, मतलब कि तुम पढ़ लो, टाइम वेस्ट तो मैं भी नहीं करता बोल के, नॉटी बॉय। चलो सर ये आपने लिख दिया, ये हमें दिख गया। सर देख लो ना, करंट इधर चल रहा था, हमने क्लॉकवाइज शुरू किया, हम भी इधर साथ साथ में माइनस, और इधर देखो हम यूं आए फिर शूं घूमना शुरू किया, करंट इधर जा रहा है, हम उल्टे चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस इतना। और बेटा केवीएल ये सब मैं पढ़ा भी सकता हूं अगर तुम्हारा दिल चाहेगा तो। अब सर आप क्या करने वाले हो, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, देखो हम कुछ नहीं करेंगे ज्यादा मटर गश्ती। सर इतना देखो बचपन से ना हम इतनी मैथ्स पढ़ चुके हैं कि हम फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू बोल सकें। देखो आई वन, एक काम करते ना तुम्हारे लिए और काम आसान कर देते हैं, हटो सीधा, हम सीधा बोलते हैं भैया डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। इक्वेशन वन को रखो भाई आई वन आर वन इज इक्वल टू आई टू आर टू, आई वन आर थ्री इज इक्वल टू आई टू आर फोर। अब बेटा देखो क्या है, ये 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 सर वाओ व्हाट अ स्पीड, वी आर इंप्रेस्ड। आर वन बाय आर थ्री इज इक्वल टू आर टू बाय आर फोर। ओ सर क्या करते हो आप। अब बेटा देखो कई बच्चों को ना ऐसे मजा नहीं आता, वो कहते थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, सही तो ये भी है, तो देखो हल्का सा ना वन टू का फोर करना है बस, इनको इंटरचेंज कर दो, पता है ना नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, मैथ्स में तो देखो तुम बच्चे उस्ताद हो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है बेटा इतना तो बायो वाले भी जानते हैं, दिक्कत बिल्कुल मत लिया करो, कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स ओपन फॉर यू ऑलवेज। तो सर ठीक है, अब आप समझाओ सर हम इसको थोड़ा मेमोराइज कैसे कर सकते हैं, तो वो भी बताते हैं। अरे कुछ नहीं है देखो, आप इसको ऐसे समझो वन टू का फोर अभी कर देते हैं हम, लेट्स से दिस इज आर वन आर टू आर थ्री एंड आर फोर। सर देखो चाहे आप ना इनको ऐसे में डिवाइड करो, ठीक मतलब कि वन बाय टू, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ फिर तुम बच्चे ना कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा पहले एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं मान के चल रहा हूँ तुम स्क्रीनशॉट ले चुके हो। तो सर देखो वन टू का फोर है ना, कुछ नहीं है, या तो आप ऐसे जो मैं देखो आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, या फिर आप सिंपल ऐसे कर सकते हो इधर देखो ऐस, चलो मैं यहां पे बताता हूं, या तो आप ऐसे डिवाइड करो ऊपर ऐसे साइड में, किसी का मन करे तो आप ऐसे डिवाइड करो, किसी का मन करे आप ऐसे डिवाइड करो, किसी का मन करे आप ऐसे डिवाइड करो, लेकिन कभी भी ना आप ऐसे क्रॉस में डिवाइड नहीं मार सकते, ठीक है कैसे भी करो, चाहे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसे R1 और R4 आपस में डिवाइड नहीं होंगे, ये मल्टीप्लाई होते हैं डिवाइड नहीं। और हाँ आप तुम समझ गए, तो फिर पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।